एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था। वो रोज सुबह उस पहाड़ पर जाता और थोड़ी देर बैठकर फिर आ जाता। तो रोज की तरह वो जा रहा था, तभी उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाने के लिए जिद करने लगा। लेकिन पिता ने समझाया, आप पहाड़ पर नहीं जा सकते, रास्ता बहुत छोटा है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेटा ज़्यादा जिद करने लगा तो पिता मान गया और दोनों साथ चल दिए। पिता ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। पहाड़ की चोटी आने ही वाली थी, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। पिता रोज आता था तो वो उस पत्थर से बचकर निकल गया, लेकिन बच्चे का ध्यान कहीं और था। उसका घुटना उस पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे की चीख निकल गई और उसकी यह चीख पहाड़ों में गूंजने लगी। बच्चे ने इससे पहले अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बच्चा घबरा गया। उसने कहा, कौन हो तुम? बच्चे ने गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। बच्चे ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने इस गूंज को सुना तो वो और घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है। बच्चा बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। बच्चे ने अपने पिता से पूछा, कौन है ये? पिता मुस्कुराया और वो जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वही इंसान उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसके पिता को कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिता ने फिर दोबारा कहा, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर बच्चा मुस्कुराया और उसने अपने पिता से पूछा, ये क्या हो रहा है? पिता ने अपने बेटे से कहा, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही आवाज है, जो कि पहाड़ों में गूंज रही है। तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से बोलते हो तो पलट कर जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी ही आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर आप इस जिंदगी के बारे में मन ही मन जैसा सोचोगे, ये जिंदगी वैसी ही हो जाएगी। अगर आप अपने मन में यह सोचोगे कि मेरी तो जिंदगी ही बुरी है, तो सच में आपकी जिंदगी बुरी हो जाएगी। और अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे तो जिंदगी भी आपसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। फिर दोनों पहाड़ की चोटी पर गए। बच्चा खिलखिलाकर हंसा और बच्चे ने दोनों हाथ फैलाए और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।